हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। माई सेल्फ मोहित प्रकाश, और आज हम बीएससी सेकेंड ईयर में यूनिट सेकेंड में हारमोनिया पढ़ेंगे, जिसमें यूनिट फर्स्ट में हमने बैलेनोग्लॉसस और एम्फियोक्सस पढ़ा था, और आज हम यूनिट सेकेंड स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम हारमोनिया पढ़ेंगे। ओके, तो आइए हम देखते हैं इसकी सिस्टमैटिक पोजीशन। सिस्टमैटिक पोजीशन फाइलम कॉर्डेटा, सब फाइलम प्रोटोकॉर्डेटा, क्लास एसिडिया या टूनिकेटा, ऑर्डर एसिडी, जीनस हार्डमानिया। स्पीसीज अभी इसकी ज्ञात नहीं है, इसलिए स्पीसीज यहां पर हमने नहीं लिखी है। इस स्पीसीज पर लखनऊ विश्वविद्यालय के डॉक्टर एस एम दास ने एक मेमोरियल या शोध पुस्तिका लिखा था। ठीक है, हैबिट एंड हैबिटाट, हार्डमानिया और सी स्क्वेट, छोटा मैराइन, सबस्ट्रेटम से अटैच्ड एनिमल है जो समुद्र में चट्टानों, पत्थरों, खाली मसल्स, सेल्स की सहायता से तथा रूट की सहायता से चिपका हो। इसका फूट केवल टेस्ट का बना होता है। फूट पर अन्य एनिमल जैसे स्पंज, सीलेंट्रेट आदि अटैच हो जाते हैं, और इस प्रकार ये कॉमन सिलिज्म दर्शाता है। यानी आपस में संबंध दर्शाता है। बात करते हैं हम इसके डायग्राम की, तो इसके एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, ठीक है, एंटीरियर और ये पोस्टीरियर रीजन है। ठीक है, ऊपर वाला पार्ट हमारा एंटीरियर रीजन है, नीचे वाला पार्ट हमारा पोस्टीरियर रीजन है। माउथ जो है हमारा, वो हमारे एंटीरियर रीजन में पाया जाता है। ठीक है, जिसे हम ब्रैंकियल अपर्चर कहते हैं। ये इसकी वेंट्रल साइड है, ये इसकी डोर्सल साइड है, और ये अटेरियल अपर्चर। आप धीरे धीरे इस डायग्राम को बनाइए। ये अटेरियल अपर्चर, ठीक है, ये अटेरियल साइफन को शो करता है, ये ब्रैंकियल साइफन को शो करता है, ये ब्रैंकियल अपर्चर जो कि माउथ है, ठीक है, और ये बॉडी, बॉडी प्रॉपर, ये टेस्ट वाला पार्ट है, ये हमारे कॉमन सिलिज्म शो करता है, जिसमें सह संबंध आपस में लाइकेन बैक्टीरिया ये सब आपस में सह संबंध शो करते हैं। अब देखिए आप इसका डायग्राम, ये वेंट्रल साइड है, ये डोर्सल साइड है, ठीक है, ये सेल, इस सेल पीसेज, ये एंटीरियर साइड थी, नीचे वाली पोस्टीरियर साइड है, और इसमें ये सेल के पीसेज हैं। ठीक है, ये हमारा फूट पार्ट है, और ये जिससे अटैच है वो हमारा सबस्टेटम है। तो आप इस डायग्राम को क्लियरली बनाइए।
हार्डमानिया का टैडपोल लार्वा, हार्डमानिया का लार्वा टैडपोल लार्वा कहलाता है, जिसकी टेल में नोटोकॉर्ड पाई जाती है, इसी कारण इसे यूरोकॉर्डेटा में रखा गया है। हार्डमानिया में कभी कभी काफी फोर्स के साथ साइफन से बाहर आता है। अब हम इसमें इसका टेस्ट का डायग्राम, सेक्शन ऑफ टेस्ट ऑफ हार्डमानिया, इसका डायग्राम बनाएंगे, जिसमें हमारा पहला है, पहला पार्ट है हमारा मैट्रिक्स, ठीक है, जो कि मैट्रिक्स को हम टिन्यूसिन भी कह सकते हैं। ये हमारा ब्लड वेसल्स, ठीक है, और ये वेस्कुलर एम्पुला, ये साइपन्स, मेगा स्क्लेयर्स, माइक्रो स्क्लेयर्स, पिपेट शेप्ड, मेगा स्क्लेयर्स, ये सब हमारे स्पीक्यूल्स के टाइप हैं। ये मसल्स फाइबर, नर्व सेल्स, लार्ज इसिनोफिलस सेल्स, स्मॉल इसिनोफिलस सेल, लार्ज वैक्यूलेटेड सेल्स, स्क्वामोजस इपिथीलियल सेल्स और ग्रैमुलर रिसेप्टर सेल्स, ये सब हमारी सेल्स हैं जो कि हार्डमानिया की बॉडी में पाई जाती हैं। तो ये था सिलेक्शन ऑफ टेस्ट ऑफ हार्डमानिया, सेक्शन ऑफ टेस्ट ऑफ हार्डमानिया। आप इसका डायग्राम बना लीजिए। इसलिए हम इसे सी स्कर्ट कहा गया है। हार्डमानिया एक सॉलिटरी तथा सीडेंट्री एनिमल्स है तथा एक सीलेटरी व फिल्टर फीडर होता है। हार्डमानिया की 12 स्पीसीज ज्ञात हैं, जिसमें से हार्डमानिया पैलेटा, हार्डमानिया सेलोनिका, हार्डमानिया यूरेंसिस आदि कॉमन होती हैं। हार्डमानिया एक माइक्रोफेगस एनिमल होता है। यह एक हर्माफ्रोडाइट एनिमल है। हार्डमानिया में फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है, इसमें फर्टिलाइजेशन इंटरनल नहीं होता, इसमें फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है तथा इसके लार्वा में रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस पाई जाती है। अब बात करते हैं हम इसकी मॉर्फोलॉजी की। तो मॉर्फोलॉजी क्या है, आइए देखते हैं। तो इसकी मॉर्फोलॉजी हम इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन अभी सिर्फ हमने इसकी मॉर्फोलॉजी को शेप साइज एंड कलर में डिवाइड किया है। तो इसका शेप क्या है, आइए देखते हैं। वैसे तो इसकी मॉर्फोलॉजी को हम एक्सटर्नल और इंटरनल डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन अभी हमने इसको सिर्फ तीन पार्ट्स में डिवाइड किया है, जो निम्न प्रकार हैं। पहला पार्ट है शेप। तो इसकी शेप कैसी होती है, आइए देखते हैं। इसकी बॉडी लेटरली कॉम्प्रेजल तथा रेक्टेंगल होती है, जिसमें अटैच्ड एंड नैरो होता है। बॉडी एक बैग या पर्स जैसी दिखाई देती है। बॉडी कैसी दिखाई देती है, एक बैग की तरह या पर्स की तरह दिखाई
देती है। तो अब बात करते हैं इसके साइज की, तो इसका साइज कैसा, साइज कितना होता है और कैसा होता है, आइए देखते हैं। साइज, हार्डमानिया की बॉडी 9.5 सेंटीमीटर लंबी, 7 सेंटीमीटर चौड़ी और 4 सेंटीमीटर मोटी होती है। कितनी होती है इसकी बॉडी? 9.5 सेंटीमीटर लंबी, 7 सेंटीमीटर चौड़ी और 4 सेंटीमीटर मोटी होती है। और इसके फुट का साइज 3 या 4 सेंटीमीटर थिक यानी मोटा होता है। जिसका फुट है, ठीक है, उसका साइज 3 या 4 सेंटीमीटर मोटा होता है। अब बात करते हैं हम इसके कलर की, तो इसका कलर कैसा होता है आइए देखते हैं। इसकी बॉडी का कलर यूजुअली ब्राउनिश होता है, यानी इसकी बॉडी का कलर सामान्यतः ब्राउन भूरे रंग का होता है। इसका कारण यह है, इसका रीजन यह है कि पूरे टेस्ट में ब्लड कैपिलरी फैली होती हैं, इस वजह से इसका कलर ब्राउन होता है, या हम इसे भूरा कह सकते हैं। तो बच्चों, इसकी मॉर्फोलॉजी को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था, शेप, साइज एंड कलर, जिसकी वजह से, और कल हम इसका डिवीजन ऑफ बॉडी पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।